अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मोमिनज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ हेल्दी पाव भाजी। तो यहाँ मैंने ली हूँ शिमला मिर्ची, फ्लावर और गाजर, फ्रेंच बीन्स, इन सब को मैंने रफली चॉप की हूँ और इसे मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके छन्नी में छानने रख दी थी 10 मिनट के लिए। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में ये तमाम भाजियाँ मैं डाल दूँगी और साथ में जाएगा आलू। आलू जो है हाफ के जी से थोड़ा कम है और इसे भी मैंने पील करके रफली चॉप कर दी हूँ। और यहाँ पे जा रहा है 2 हैंडफुल मटर, फ्रेश वाला मटर है ये। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 ग्लास पानी और इसके साथ जाएगा 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी स्पैचुला की मदद से। सारी सब्जियां और जो मसाले मैंने हल्दी नमक डाली थी वो सब मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कुकर का लीड और ये मैं यहाँ पे दूंगी 5 सीटी। हाई फ्लेम पे आपको गैस रखना है ताकि सारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से गल जाए। यहाँ मैं ले रही हूँ एक बर्तन और बर्तन पर मैं डाल रही हूँ तेल। तेल जो मैंने ली हूँ 5 टेबलस्पून। तेल के साथ जाएगा मस्का, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर कर अमूल बटर मस्का। और मैं गैस यहाँ पे रख रही हूँ हाई फ्लेम पे। इसे मैं तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि जो मैं मसाला बना रही हूँ पाव भाजी का उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ मैंने डाली हूँ फाइनली चॉप ऑनियन। ऑनियन जो है 4 ऑनियन ली हूँ मैंने, छोटे थे ऑनियन तो मैंने 4 ऑनियन ली हूँ, जैसे कि 1/4 किलो जितना। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 मिर्ची। ये मिर्ची फिक्की वाली मिर्ची है, तेज़ तीखी वाली मिर्ची नहीं है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप स्पाइसी मिर्ची डालिएगा। 5 मिनट बाद जब ये कलर हो जाएगा पिंक कलर, तो यहाँ मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी स्पैचुला की मदद से। और जो कच्ची स्मेल है अदरक लहसुन की वो भी चले जाएगी। गैस रखना है आपको हाई फ्लेम पे। और 5 मिनट बाद जब थोड़ी कच्ची स्मेल चले जाए अदरक लहसुन की, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर को भी मैंने चॉपर मशीन में डाल के इसे काफ़ी फाइनली चॉप कर रही हूँ और इसे भी मैं डाल देती हूँ। टमाटर है 1/2 kg। गैस यहाँ पर हाई फ्लेम ही है और मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी सारे मसालों के साथ में। अब यहाँ पे 5 मिनट बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 ग्लास पानी ताकि कोई भी जो मसाले हैं अदरक लहसुन और टमाटर वो जले ना, क्योंकि गैस जो है मैंने हाई फ्लेम पे रखी हूँ। और मैं इसे अभी कवर कर दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ बॉयल सब्ज़ियाँ जो मैंने बॉयल करके रखी थी। अब मैं इसे आलू मैशर से अच्छे से मैश कर दूंगी इन सब सब्जियों को। इस तरह से आपको करना है और सारी सब्जियां अच्छी गल भी गई है तो ये जल्दी जल्दी हो रहा है मैश। सब्ज़ी पूरी अच्छे से मैश हो गई है, ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं इसे रख दूंगी साइड पे। 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर अच्छा खासा गल चुका है, ये देखिए अच्छा खासा दिख रहा है गला हुआ। मैं इसे थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से प्रेस डाउन कर रही हूँ ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। डालूँगी लाल मिर्च पाउडर 3 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। गैस अभी आपको करना है थोड़ा मीडियम फ्लेम पे। जाएगा 3 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, यहाँ मैंने एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला ली हूँ और 1 टेबलस्पून मैं बाद में डालूँगी। आपको 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है जो सारे मसाले हैं उसकी कच्ची स्मेल चले जाए। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 कप पानी ताकि जो मसाले हैं वो जले ना, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैं इसे 5 मिनट तक इसे भूनते रहूँगी जो सारे मसाले की जो कच्ची स्मेल होती है वो चले जाए।
ये देखिए यहाँ पे सरफेस पे अच्छा खासा तेल आ चुका है, मतलब मसाला भून गया है। अब मैं यहाँ पे कर दूँगी गैस को थोड़ा सा लो फ्लेम के तरफ, और मैं यहाँ पे डालूँगी बॉयल्ड सब्जियाँ। जो मैंने मसाला बचा के रखी थी पाव भाजी मसाला, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे जा रहा है 1/2 टीस्पून हींग, साथ ही साथ जाएगा 1 हैंडफुल भर कर कोथमीर। ये देखिए ये भी रफली चॉप है, और मैं अभी इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी स्पैचुला की मदद से। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 ग्लास पानी, और मैं इसे आलू की मैशर की मदद से इसे मैं अच्छे से थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी मुझे दिख रही है मैं इसे मैश कर दूंगी, क्योंकि सब्जियां जो है वो गल चुकी है। अच्छे से मैश मैंने इसे कर ली हूँ, ये परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून भर कर नमक। नमक यहाँ पे कम था तो मैंने नमक ऐड कर चुकी हूँ, आप अपने हिसाब से नमक ले लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होती है, और मैं 5 से 6 मिनट बाद कर दूंगी गैस ऑफ, और ये तैयार है। यहाँ मैं पाव की तैयारी करूँगी अभी। यहाँ पे मैंने ली हूँ तवा, तवा जो है गैस हाई फ्लेम पे मैंने इसे रखी हूँ, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बटर 1 टीस्पून, और मैं इसके ऊपर रख दूँगी पाव। पाव भाजी के पाव को इस तरह से सेक लगाते हैं मस्के में, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। पाव भाजी का पाव जो होता है वो आप रूखा खाएंगे, ड्राई खाएंगे पाव, तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना ये मस्का के साथ में जब ये तवे पे रोस्ट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है पाव भाजी में खाने के लिए। तो इस तरह से आपको अलट पलट करके पिंक कलर दे देना है पाव को इस तरह से। गैस जो है हाई फ्लेम पे रखी हूँ, ये हो गया है, तो मैं अभी आप लोगों को डिश आउट करके बताती हूँ। पाव भाजी तैयार है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी गार्निश करूँगी। 1 टीस्पून मस्का ली हूँ अमूल का, यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ कोथमीर के पत्ते, और यहाँ पे फाइनली चॉप ऑनियन डाल रही हूँ, और साथ ही साथ जाएगा यहाँ पे चीज़ क्रश। इस पाव भाजी को आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करें। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए सिंपल रेसिपी लाते रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।